नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम क्या करेंगे, जो आपकी एनसीईआरटी 12th है मैथमेटिक्स की, उसका चैप्टर नंबर जो 7 है आपका इंटीग्रल्स, इसकी एक्सरसाइज 7.2 हमने स्टार्ट कर रखी है। क्वेश्चन नंबर 35 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। आगे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे और हमारी एक्सरसाइज 7.2 को कम्प्लीट करेंगे। अब जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने देखे हैं उन सब में हमें क्या करना है, देखो जो क्वेश्चन नंबर 1 था वहां से लेकर के क्वेश्चन नंबर 37 तक आपको क्या करना था, इंटीग्रेट करना था गिवन फंक्शंस को और मेथड यूज करना था सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो उसका ही यूज करके हम क्या करेंगे, 36 और जो 37 क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे और लास्ट के दो क्वेश्चन आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर आपको फंक्शन दे रखा है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स। सब्सटीट्यूशन मेथड यूज करेंगे तो हम क्या करते हैं, x प्लस लॉग एक्स की जगह t सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो यहां लिख लेते हैं, लेट x प्लस लॉग ऑफ x को हम t कंसिडर करेंगे। अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। यानी कि dx की जगह हम लिख सकते हैं, यहां अगर LCM लोगे तो x प्लस 1 अपॉन में x हो जाएगा, तो dx की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन में x प्लस 1 dt। ठीक है, अब यहां पे dx की जगह सब्सटीट्यूट करेंगे ये वैल्यू और x प्लस log x की जगह सब्सटीट्यूट करेंगे t, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 ऐसे ही रहेगा, इसकी जगह आ जाएगा t और इसकी पावर 2 दे रखी है अपॉन में x, और dx की जगह हम लिखेंगे x अपॉन में x प्लस 1 इंटू में dt। इस x से ये x कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 2 dt। अभी काफी सिंपल है, x की पावर n के फॉर्म में आ गया और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, देखो यहां x है तो यहां x है, अगर यहां t है तो यहां t प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है x की पावर n प्लस में 1, सेम पावर में नीचे ऐड करके लिख देते हैं, प्लस में c एक आर्टिब्ररी कॉन्स्टेंट आता है इंटीग्रेशन का, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी t की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस में c यानी कि कॉन्स्टेंट। अब हमें क्या करना है, देखेंगे हम फंक्शन की तरफ, तो x की टर्म में था तो आंसर भी x की टर्म में आना चाहिए, तो रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे t की जगह x प्लस में log x। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं अगेन, पुट t इज इक्वल टू x प्लस log x लिख देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये देखो 1 अपॉन 3 ऐसे लिख सकते हैं, t का क्यूब यानी कि x प्लस log x का होल क्यूब प्लस में c आपका कॉन्स्टेंट आ ही गया है। ठीक है, तो ये आपका इंटीग्रेशन आ गया है क्वेश्चन नंबर 36 का, बहुत ही ईजी था और मेथड हमने यूज किया सब्सटीट्यूशन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 क्वेश्चन, और इसके अंदर भी हमें क्या करना है, मेथड यूज करना है सब्सटीट्यूशन का, तो करते हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, ये जो tan इनवर्स x की पावर 4 दे रखा है ना, अब की बार इसको हम t के इक्वल सब्सटीट्यूट करेंगे, तो यहां लिख देते हैं, लेट जो tan इनवर्स x की पावर 4 है इसको हम t के इक्वल पुट करेंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास देखो क्या हो जाएगी। अब हमें दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करना है, तो करते हैं डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो देखो अब हमें पता है जो tan इनवर्स x होता है, अगर आप इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो ये होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं हम यहाँ पे, और उसके बाद ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर हम क्या करते हैं इस एक्स स्क्वायर का भी यहाँ पे करते हैं बाद में फंक्शन का। ठीक है, जो यहाँ प्रेजेंट होता है, तो वैसे ही हम यहाँ करेंगे इसको दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब x की जगह x की पावर 4 और इसका स्क्वायर, फिर d अपॉन डी एक्स ऑफ x की पावर 4, ठीक है, इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, तो यहां से ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8, देखो नीचे वाली टर्म यहां पे आ चुकी है, इंटू में ये हो जाएगा 4 एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब यहां है और यहां पे भी प्रेजेंट है, इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब यहां से हम डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ताकि यहां पे पुट कर सकें, तो यहां से डी एक्स की वैल्यू देखो क्या आएगी, यहां से आपके पास dx की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस x की पावर 8 अपॉन में 4 एक्स क्यूब dt, तो हम dx की जगह यहां पे ये सब्सटीट्यूट कर देंगे और हमारा t की जगह ये वैल्यू है ही, तो इसकी जगह हम t लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी x क्यूब साइन, इसकी जगह हम t लिख सकते हैं अपॉन में 1 प्लस 8 की पावर, सॉरी x की पावर 8, और dx की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस x की पावर 8
अपॉन में 4x³ dt, ठीक है। तो ये आपस में कैंसिल होगी, यहां से एक्स क्यूब और एस क्यूब यहाँ पे कैंसिल हो गए, एक्स क्यूब, ठीक है। तो वैल्यू आ जाएगी 1/4 को इंटीग्रेशन के बाहर लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी और प्लस में, चलो वो हमारा बाद में आएगा तो अभी इसको इतना ही रहने दो dt, क्योंकि कॉन्स्टेंट तो इंटीग्रेट करने के बाद आएगा, है ना। तो यहाँ पे कर देते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/4। अब साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन तो हमारे पास क्या होता है, कॉस एक्स होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस में कॉस ऑफ टी आ जाएगा, प्लस में इंटीग्रेशन कर चुके हैं तो एक इंटीग्रेशन का कॉन्स्टेंट सी आ जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी -1/4 कॉस, अब टी की जगह अगेन रीसब्स्टिट्यूट कर दो, तो टी की जगह हम ये लिख सकते हैं, तो यहां लिख देंगे 10 इनवर्स x^4 प्लस में सी हमारा कॉन्स्टेंट आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 37 का ये इंटीग्रेशन आ चुका है, बहुत ही इजीली हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके इसको इंटीग्रेट कर दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट पेज में दो क्वेश्चन है, 38 एंड 39, दोनों ही आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको चार ऑप्शन प्रोवाइडेड होंगे बुक के अंदर, उन चारों में से कोई एक ही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे हमारे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। तो ये फंक्शन दे रखा है, इंटीग्रेशन करना है 10x^9 प्लस में 10, देखो यहाँ पे पावर क्या दे रखी है, एक्स दे रखी है, ठीक है, ये काफी ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। लॉग 10 डिवाइड में x^10 यहाँ पे प्लस में 10^x दे रखी है, और इसको हमें विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है, ठीक है। है तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन, हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन का ही यूज करेंगे, तो जो नीचे डिनोमिनेटर दे रखा है ना, इसका हमारे पास डिफ्रेंसिएशन हमें ऊपर दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे इसकी जगह t सब्स्टिट्यूट कर देंगे, लेट x^10 प्लस में 10^x इज इक्वल टू टी, अब दोनों साइड कर दो डिफ्रेंसिएशन, तो ये क्या हो जाएगा 10x^9 प्लस में, अब जब आपको पता है जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं और वही हमें पावर में ऊपर दे रखा हो, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, वो हमारे पास हो जाता है, पहले तो सेम यही आ जाएगा आपके पास, सेम यही आ जाएगा, ठीक है, यानी 10^x, और उसके बाद क्या होगा log ऑफ a आ जाता है, a की जगह क्या है 10 है, तो ये हो जाएगा log ऑफ 10, यानी कि अगर आपको दे रखा है a^x, तो इसका हमारे पास क्या होगा a^x log ऑफ a, ये इसका डिफ्रेंसिएशन होता है। तो हमने ये वैल्यू लिख दी है, और इस साइड क्या आ जाएगा dt/dx, अब हमारे फंक्शन में है dx, इसकी जगह हमें एक वैल्यू चाहिए जो इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर सके, वो यहां से आ जाएगी, तो यहां से dx की वैल्यू देखो क्या आएगी, dx इधर चला जाएगा, ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, यानी dx इज इक्वल टू dt/में 10x^9 प्लस में 10^x log ऑफ 10, ये वैल्यू आ गई, यानी कि इस फंक्शन के अंदर नीचे जो डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू है उसकी जगह तो t सब्स्टिट्यूट करेंगे, dx की जगह ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो कर देते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 10x^9 प्लस 10^x log ऑफ 10 अपॉन में t, और dx की जगह हम लिखेंगे dt/ में 10x^9 प्लस में 10^x log ऑफ 10, ये आपस में हो गए कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt, अब इसका हमें पता है इंटीग्रेशन होता है log ऑफ mod ऑफ t प्लस में c, हमारा कॉन्स्टेंट आ गया, तो अब हमारा जो फंक्शन था x के टर्म में था, तो इस फिर से t को x के टर्म में करने के लिए फिर से t की जो आपने वैल्यू कंसिडर की थी ये फिर से ये पुट कर दो, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा log ऑफ mod ऑफ x^10 प्लस में 10^x अब प्लस में c, ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। और अगर आप बुक में चेक करोगे तो जो चार ऑप्शन दे रखे हैं उसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, ठीक है, तो इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर 38 के अंदर करेक्ट ऑप्शन आपका डी है। अब इसी तरीके से 39 क्वेश्चन भी एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इसको भी सिमिलरली ऐसे ही करना है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है, तो करते हैं। अब देखो अब ये दे रखी है वैल्यू, अब इसको हमें सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 1 दे रखा है ना इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे, और क्या पुट करेंगे, हमें पता है आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की, sin²x प्लस में cos²x की वैल्यू 1 होती है, यानी 1 की जगह हम ये लिख सकते हैं, तो ये लिख देते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sin²x प्लस में cos²x अपॉन में sin²x cos²x dx, अब ये जो डिवाइड कर रहा है ये इस वैल्यू को भी कर रहा है, इस वैल्यू को भी कर रहा है, तो सेपरेट कर लो, इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sin²x अपॉन में sin²x इंटू cos²x
अब प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ डीएक्स भी लगा दो, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब देखो यहां से ये कैंसिल हो गया, यहां से ये कैंसिल हो गया, तो वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। बहुत सिंपल हो गया है ना, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स हो गया सेक्स स्क्वायर एक्स डीएक्स प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब यहां से देख लो जी, अभी हम आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स, आपको पता ही है टेन एक्स होता है, तो यहां आ जाएगा टेन एक्स प्लस में सी वन यहां से कॉन्स्टेंट आएगा प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स का जो हमारे पास होता है ना डिफ्रेंसिएशन सॉरी इंटीग्रेशन, क्योंकि यहां इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस में सी टू यहां से आ जाएगा एक आर्टिब्रेरी कॉन्स्टेंट। अब हमें क्या चाहिए, हमें दो दो तो हमें कॉन्स्टेंट नहीं रखने, तो हम क्या करेंगे सी वन और सी टू को एक साथ इकट्ठा करके सी लिख देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी टेन एक्स माइनस में कॉट एक्स प्लस में सी वन, वेयर जहां पे C1 की वैल्यू होगी, सॉरी C की वैल्यू होगी, C1 नहीं हम C रखेंगे इसको, C इज इक्वल टू C1 प्लस में C2। तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया है 10x माइनस में cot x प्लस में C। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया क्वेश्चन नंबर 39 का, बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही किया है, यानी कि इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वह आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी पूरी की पूरी जो 7.2 है वो कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको अच्छे समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।